वेलकम बैक टू अवर चैनल लोकल स्कूल ऑफ इंग्लिश। सो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको एक फ्रेंड की अहमियत पता चलेगी। गाइस, हम इसमें एक क्यू कार्ड कवर करने वाले हैं, डिस्क्राइब समवन यू रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद। तो गाइस, हम इसमें बताएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप समय स्पेंड करना अच्छा लगता है आपको, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर हम कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात करें तो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है गाइस, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर आपका कोई नेबरहुड फ्रेंड हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है गाइस, या फिर फैमिली तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर फैमिली को छोड़कर अगर देखा जाए तो बेस्ट फ्रेंड होता है जो आप जिसके साथ अपना समय सबसे ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैंने इस क्यू कार्ड को उसी पर बनाया है गाइस। इस क्यू कार्ड को पूरा देखना गाइस। मैं ये नहीं कहता कि आप खुद से नहीं बना पाओगे, लेकिन आप बना तो सकोगे। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड की अहमियत मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता, आपको अवश्य पता होगी, लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन, कैसे हम एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स को जो हम अपने मन में रखते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए। तो उस सभी बातों को जानने के लिए इस क्यू कार्ड को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्यू कार्ड को। डिस्क्राइब समवन यू रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद। क्यूज़ देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले, हु दस पर्सन इज, वो पर्सन कौन है। हाउ यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। व्हाट डू यू यूजली डू टुगेदर, और आप साथ में क्या करते हो। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, और मुझे एक्सप्लेन करो कि आप क्यों उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको क्यों आप पसंद करते हो। तो चलिए गाइस, हु दिस पर्सन इज। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली मेम्बर्स। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दम, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। बट हैक्टिक शेड्यूल ऑफ पेरेंट्स की वजह से इट्स हार्ड टू स्पेंड टाइम विद दैम। ये मुझे बहुत मुश्किल है कि हम सारा समय ज़्यादातर उनके साथ स्पेंड कर सकें। सो हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट माई बोजम फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं अपने बोजम फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगा गाइज। बोजम फ्रेंड होता है बेस्ट फ्रेंड। दीपिंदर जोशी, जिसका नाम दीपिंदर जोशी है, ही इज़ एन iOS डिवेलपर। वो एक iOS डिवेलपर है एंड वर्क इन मोहाली, और मोहाली में काम करता है। आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, मैं उसके साथ टाइम को स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाउ यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। I know him from my childhood, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। देखिए गाइस, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, या तो वो आपका बचपन में रहा होगा, बचपन से होगा, या फिर आपको कॉलेज में मिला होगा, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो अच्छी बात होगी। I know him from my children, guys. देखिए गाइस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर चाइल्डहुड आना था, नो के चिल्ड्रन। आई नो हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, वी स्टडी इन सेम स्कूल, हम सेम स्कूल में पढ़े हैं। एंड हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम सेम कॉलेज, हमने सेम कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की है। ही इज़ नाउन टू माय होल फैमिली एंड वाइस वर्सा, वो मेरी सारी फैमिली को जानता है और मैं उसकी सारी फैमिली को जानता हूँ। वी यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम टूगेदर, हम साथ में समय बिताया करते थे। व्हेन वी वर इन आवर स्कूल और कॉलेज, जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में होते थे। तो गाइस, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर चाइल्डहुड आएगा। आई नो हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। उसके बाद, व्हाट डू यू यूजली डू टुगेदर, आप एक साथ क्या करते हो जब आप साथ में होते हो, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर नॉर्मली बात की जाए तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, अपने वीकेंड्स, अपना दिन कैसा रहा, वो सारी बातें शेयर करते हैं। अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो उसको शेयर करते हैं। इवन दैट कई बार हम सेलिब्रेशंस करते हैं, पार्टी करते हैं, डिनर करते हैं, तो वो सभी कैसे लिख सकते हैं। वी मीट एट वीकेंड्स, हम वीकेंड्स को मिलते हैं। एज ही इज़ वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, बिकॉज एज लगा लो या फिर बिकॉज वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। एंड आई एम कंटिन्यू विद माई स्टडी, और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा हूँ। We share our weekdays happening with each other. हम क्या करते हैं, अपने वीकडेज में जो जो भी हुआ होता है वो सभी एक दूसरे का शेयर करते हैं। एंड टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड गोल, और हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और गोल क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हम उन्हें कैसे अचीव करना है। वी ऑल्सो शेयर अवर फैमिली प्रॉब्लम्स विद ईच अदर, हम अपनी फैमिलीज प्रॉब्लम एक दूसरे का शेयर करते हैं।
एंड शॉर्ट आउट देम और उनको सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि हम सॉल्व कर सकें तो उनको अवश्य सॉल्व करते हैं। ऑन वीकेंड्स वीकेंड्स पर वी डू डिनर टुगेदर, हम डिनर टुगेदर कर डिनर करते हैं साथ में। आई रियली इन्जॉय हिज कंपनी, मैं उसकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करता हूँ। एज वी टॉक अलॉट, क्योंकि हम बहुत सी बातें करते हैं। स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ द डेज टुगेदर, और अपने आधे से ज़्यादा दिन तो हम एक साथ ही गुजारते हैं। तो गैस आप भी इतना सब कुछ करते होगे अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है नहीं होना चाहिए गाइस, आपका भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप भी उसके साथ यही सब कुछ शेयर करते होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, तो गाइस आपने एक्सप्लेन करना है कि आप सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद करते हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस, देर आर नॉट ओनली वन पर्सन रीज़न बिहाइंड व्हाई आई लाइक दिस कंपनी हिज कंपनी, कहने इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है कि मैं उसकी कंपनी को क्यों पसंद करता हूँ। ही इज़ ए ट्रू फ्रेंड, वो एक अच्छा और सच्चा मित्र है। हु नेवर डिसीव मी, जो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। ही ऑलवेज बी ऑनेस्ट, वो हमेशा ऑनेस्ट रहता है। एंड स्टैंड बाई माई साइड नो मैटर वट, और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या मैटर है। ही वाइप माई टीयर, वो मेरे आंसू पूछता है। पिक मी अप व्हेन आई फॉल, जब मैं गिरता हूँ तब मुझे उठाता है। ऑफर ही शोल्डर टू क्राई इन टफ टाइम, और अपना कंधा मेरे सामने रखता है जब भी कोई टफ समय आता है, ता जो मैं भी अपनी आंखों के आंसू निकाल सकूँ। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। इवन वैन, जबकि आई थिंक आई विल नेवर बी स्माइल अगेन, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में, इसके बाद मैं कभी भी हंस नहीं पाऊँगा, लेकिन उस सिचुएशन में भी वो मुझे हंसा देता है। आई नो, मुझे पता है, इफ़ आई भी फेल इन लाइफ, अगर मैं लाइफ में फेल हुआ, ही विल डेफिनेटली हेल्प मी, वो मेरी डेफिनेटली हेल्प करेगा। आउट बाई लिसनिंग मी, मुझे सुनकर। आफ्टर माई फेलर्स, मेरे फेलर के बाद। एंड एडवाइज मी हाउ टू बाउंस बैक, और मुझे एडवाइस देगा कि कैसे बाउंस बैक कर सकते हो आफ्टर फेलर इन लाइफ, लाइफ में अगर फेलर को फेस करते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें ये सभी बातें, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, जो आपको कभी धोखा ना दे, हमेशा आपके साथ रहे, कोई भी मैटर हो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, जब भी आपको मन उदास हो आपको हंसा दे, आपकी मुस्कान की वो वजह बन जाए, आपके अगर आप आंसू आते हैं तो फिर आपको संभाल ले। इवन दैट अगर आपका रोने का दिल कर रहा है तो वो आपको खिजाए मत, बल्कि आपको थोड़ा मनाए, मतलब कि यही सब कुछ होता है। एक बेस्ट फ्रेंड, जब भी आप बहुत उदास होते हो तो उस समय एक बेस्ट फ्रेंड की इंपॉर्टेंस आपको पता चलती है। तो ये क्यू कार्ड में मैंने ये सब कुछ बता दिया, यही कारण है कि मुझे उसकी कंपनी पसंद है, क्योंकि वो इतना लॉयल है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना गाइस। और अगर आप इस क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही बताएं, क्योंकि गाइस अगर आप बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएंगे तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि ये आपकी रियल स्टोरी है। तो इस वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।